ट्रैफिक एंड कन्वर्जन इज नॉट अ प्रॉब्लम, अ प्रॉब्लम इज अ फनल। तो स्वागत है आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डॉट कॉम सीक्रेट बुक के बारे में। डॉट कॉम सीक्रेट बुक जो कि रसल ब्रंसन ने लिखी है, जो कि फनल्स के एक्सपर्ट हैं एंड ही अर्न इन मिलियंस, जो इन मिलियंस के अंदर अर्निंग कर रहे हैं, कि ट्रैफिक एंड कन्वर्जन इज नॉट अ प्रॉब्लम इन एनी बिजनेस, अ प्रॉब्लम इज अ फनल। फनल क्या होता है? फनल का मतलब होता है कस्टमर की जर्नी। आप अपने कस्टमर्स को अपने बिजनेस के लिए किस टाइप से अट्रैक्ट करते हैं, जैसे क्या आप बेट रिवॉर्ड देते हैं आप कस्टमर्स को जो आपके बिजनेस के अंदर वो अट्रैक्ट हो, तो इसके थ्रू जो है वो आपके बिजनेस के अंदर कस्टमर आता है। किसी भी बिजनेस में, ऑनलाइन या ऑफलाइन वर्ल्ड में, आपको एक कोई ना कोई एक रिवॉर्ड जरूर देना होगा। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर रिवॉर्ड नहीं देंगे या कुछ कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं करेंगे अपनी तरफ, तो वो जो है आपका कस्टमर जो है वो आपकी तरफ, आपके बिजनेस में नहीं इंटरेस्ट रखेगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, उसको एक रिवॉर्ड देना होगा। फिर आपको फाइंड आउट करना होगा कि आपका कस्टमर कौन है, ड्रीम क्लाइंट, हु इज योर ड्रीम क्लाइंट। आपको अपने ड्रीम क्लाइंट को फाइंड आउट करना होगा। तो इस डॉट कॉम सीरीज सीक्रेट बुक के अंदर रसल ब्रंसन ने कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बताई जिनका, जिनसे आप अपने बिजनेस को के अंदर अप्लाई करके उनको जो है अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, क्योंकि बिजनेस में हर चीज सेम होती है। रसल ब्रंसन को ये आइडिया जो है वो उसकी 12 साल की उम्र में आया, जब वो रात को टीवी देख रहे थे अपने पापा के साथ। तो वहां से उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट आया कि किसी ने हाउ ही अर्न इन अ 7 days, $30 इन अ 7 days। तो उनको जो है वहां से क्यूरियोसिटी हुई कि हाउ ही अर्न, तो उन्होंने जो है उसको फोन कर दिया और फिर वहां से उनको एक मेल आया। तो इस टाइप से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी ऑनलाइन बिजनेस की एंड ऑल। तो ये जो बुक है ये बताती है आपको कि कैसे स्ट्रेटेजीज यूज करनी है आपको अंदर। इसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स फॉर्मूलाज हैं, तो आप जो है वो अपने बिजनेस के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपको कैसे अपने बिजनेस के लिए अट्रैक्ट करना है अपने कस्टमर्स को, तो इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें जो है बताई गई है। तो आज हर बिजनेस में कॉम्पिटिशन हो गया। पहले ज़माने में इतना कॉम्पिटिशन नहीं हुआ करता था। तो आज के आप कोई भी बिजनेस ले लीजिए, आप ऑनलाइन बिजनेस ले लीजिए या ऑफलाइन बिजनेस ले लीजिए, हर एक बिजनेस में एक बहुत ही कॉम्पिटिशन हो गया। सॉल्यूशन को आपको कैसे कम करना है, तो कैसे ओवरकम करेंगे, तो आपको एक अट्रैक्टिव स्कीम या फिर अपने यूजर्स को अट्रैक्ट करना होगा अपनी तरफ। तो जैसे ही आपने उनको अट्रैक्ट किया, फिर आता है सेलिंग का प्रोसेस। सेलिंग का जो प्रोसेस है ओल्ड मीडिया में और न्यू मीडिया में, जहां ओल्ड मीडिया के अंदर डायरेक्ट मेल हुआ करते थे, वहां न्यू मीडिया में ईमेल मार्केटिंग आ गई। ओल्ड मीडिया में नेटवर्किंग यूज होती थी, न्यू मीडिया में फेसबुक यूज होती। ओल्ड मीडिया के अंदर टीवी यूज होता था, न्यू मीडिया के अंदर यूट्यूब यूज होता है। ओल्ड मीडिया के अंदर रेडियो यूज होता था, न्यू मीडिया में पॉडकास्ट आ गया। ओल्ड मीडिया के अंदर जो था न्यूज़पेपर था, और न्यू मीडिया के अंदर ब्लॉग और वेबसाइट्स आ गई हैं। तो जो सेलिंग के जो प्रोसेस था वो सेम था, बस चीज़ों ने एक्सपांड होकर के उन सभी के लिए रसल ब्रंसन ने जो इसके अंदर स्ट्रेटेजी शेयर किए, जो उनके सीक्रेट फॉर्मूलाज हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो सीक्रेट नंबर फॉर्मूला नंबर वन, तो इसके अंदर रसल ब्रंसन कहते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज योर ड्रीम क्लाइंट, आपका ड्रीम क्लाइंट कौन है, हु इज योर ड्रीम क्लाइंट। तो उसको आप जो है कैसे फाइंड आउट कर, आपको कैसे पता पड़ेगा कि आपका ड्रीम क्लाइंट कौन है। तो सबसे पहले रसल बोलते हैं कि हु आर माई ड्रीम क्लाइंट, फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं वॉट डू दे लुक लाइक, उसका लुक कैसा है, क्या वो बियर्ड रखता है, क्या वो मेल है, क्या वो फीमेल है, कैसा लुक है उसका। फिर जो है व्हाट आर द पैशन आइट अबाउट, वो किस चीज को लेकर पेशन है, उसको क्या चीजें पसंद है। फिर उसके व्हाट गोल्स क्या है, उसके गोल्स क्या है, उसके ड्रीम्स क्या है, उसके डिजायर क्या है। तो इन सब के बारे में आपको पता करना होता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वेयर कैन यू फाइंड देम,
आप अपने ड्रीम क्लाइंट को कहाँ फाइंड कर सकते हैं? क्या वो फेसबुक पे है, क्या वो इंस्टाग्राम पर है, क्या वो यूट्यूब पर है, क्या वो ट्विटर पर है? तो आप अपने ड्रीम क्लाइंट को कहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं? व्हाट फिर आता है, व्हाट बेट यूज टू अट्रैक्ट देम। आप अपने ड्रीम क्लाइंट को क्या बेट देंगे अट्रैक्ट करने के लिए, आप उसको किस रिवॉर्ड से अपने बिजनेस के अंदर अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट रिजल्ट डू यू गिव देम। आप अल्टीमेटली आप अपने क्लाइंट को क्या रिजल्ट देंगे। रिजल्ट का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आप उनकी प्रोडक्ट और सर्विस को सेल कराएं। अल्टीमेटली जो आप उनकी टीम को कितना सपोर्ट करते हैं, आपका जैसे आपका कोई सॉफ्टवेयर का बिजनेस है तो आप जो है उनकी टीम को पूरा उस सॉफ्टवेयर के बारे में इंटरेक्ट कराएंगे कि आप कैसे इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज आप उन पूरी टीम को सिखाने के बाद आप उनके लिए जो रिजल्ट लाएंगे, ये सारा रिजल्ट जो है वो आप एक अपने ड्रीम क्लाइंट को दे सकते हैं। तो ये रिजल्ट जो है वो उनको जरूर चाहिए, इससे जो है वो आपका ऊपर और ट्रस्ट करते हैं। फिर आता है सीक्रेट फॉर्मूला नंबर टू। सीक्रेट फॉर्मूला नंबर टू, वैल्यू लेडर। द मोर वैल्यू यू एड इन योर कस्टमर्स लाइफ, द मोर मनी कम्स फ्रॉम आउट ऑफ इट। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे कि मैंने फेसबुक पर कोई एक फ्री टीथ क्लीनिंग का एडवर्टाइजमेंट देखा, तो मैंने उस टीथ क्लीनिंग के लिए अपने आप को रजिस्टर कर दिया एंड नेक्स्ट डे मैं वहाँ चला गया टीथ क्लीनिंग करवाने। तो जैसे ही मैं वहाँ टीथ क्लीनिंग के कैंप में गया, वहाँ पर उन्होंने स्टार्ट कर दिया टीथ क्लीनिंग करना और सडनली आफ्टर सम टाइम उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन कर लिया, आर यू स्मोकिंग, आर यू ड्रिंकिंग, क्या आप स्मोक करते हैं, क्या आप ड्रिंक करते हैं। सडनली आई सेड नो, मैंने उनको मना कर दिया। तो मेरे माइंड में क्यूरोसिटी हो गई कि व्हाई डिड यू आस्क, आपने ये क्वेश्चन क्यों पूछा। तो जो डॉक्टर ने कहा कि आपके थोड़े दांत पीले हो गए हैं, क्या आप उन दांतों की सफाई करवाना चाहेंगे। मैंने उनको कह दिया यस। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट फ्री बेड से आया और यहाँ पर मैंने अपनी टीथ की क्लीनिंग करवाने, दांतों की और सफाई करवानी। तो यहाँ पर मेरा जो है उन्होंने पहली फर्स्ट वैल्यू दी और मेरा फर्स्ट मनी आ गया यहाँ पर। फिर जो है उसमें आता है सेकंड, उन्होंने वापस से मुझे एक क्वेश्चन पूछ लिया, क्या आपके बचपन में ब्रेसेस थे। मैंने कहा यस। तो आपने क्यों पूछा, आई आस्क। तो उन्होंने कहा कि आपके कुछ दांत जो हैं वो उनकी जगह से हिल गए, तो क्या आप उनको सही करवाना चाहेंगे। मैंने अल्टीमेटली कह दिया यस। फिर उन्होंने अगेन वापस से एक क्वेश्चन कर लिया कि हमारे यहाँ पर अभी 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो क्या आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे। मैंने कह दिया यस। तो मैं यहाँ पर एक फ्री बेड के थ्रू आया था, मैं यहाँ पर एक फ्री टीथ क्लीनिंग करने आया था और जब मैं यहाँ से निकल रहा था तब मेरे पॉकेट पे 10,000 का बिल बन गया। तो यहाँ से हमने जो है मोर वैल्यू और मोर मनी, तो इसमें इसके थ्रू जो आप समझेंगे डेंटिस्ट ने क्या किया, अपने क्लाइंट को वैल्यू दी, जितनी उसने वैल्यू दी उतना उसने अर्निंग किया। तो ये जो है वैल्यू लेडर है, द मोर वैल्यू यू गिव योर क्लाइंट द मोर मनी कम्स आउट फ्रॉम इट। तो ये है सीक्रेट फॉर्मूला नंबर टू। फिर आता है सीक्रेट फॉर्मूला नंबर थर्ड। सीक्रेट फॉर्मूला थर्ड इज वैल्यू लेडर वर्सेस फनल। तो वैल्यू लेडर में हमने जाना था कि मोर वैल्यू मोर मनी। अब फनल के अंदर क्या होता है कि आप अपने ट्राफिक को कैसे अपने तरफ, अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, एक ट्रैफिक का बंच होता है, उसको जो है हम यहाँ पर हमारे बेट के अंदर, हमारे फनल के अंदर अट्रैक्ट करते हैं बेट के अंदर। फिर हम वहाँ से उस बेट के अंदर से उसको लेके जाते हैं फ्रंट एंड के अंदर। फ्रंट एंड के बाद से फिर हम ले जाते हैं उसको मिडिल के अंदर, फिर मिडिल से लेके जाते हैं हम उसको बैक एंड के अंदर। तो इस टाइप से जो है हमारा, हमने एक रिवॉर्ड से अट्रैक्ट करके हमने उसको बैक एंड तक ट्रांसफर किया। तो
अगर इसको मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं, सिंपल सा एग्जांपल, तो आपको मैं एक मिनट का टाइम देता हूं, आप सोचिए, आप इस वीडियो को पॉज करके सोचिए। तो फिर हम जो है अभी कुछ टाइम पहले रिलायंस जियो, जो कि इंडिया में आपने सभी यूज कर रहे हैं, आई ऑल्सो यूज इट, जियो ने जो है सबसे पहले हमको एक बेट दिया फ्री इंटरनेट का, फ्री की जियो सिम बांटी उसने, और जो है पूरे इंडिया में फ्री जियो सिम बांटी, अपना नेटवर्क क्रिएट किया, बेट रिवॉर्ड दिया। फिर उसने जो है हमको एक फ्रंट एंड में लाया, जब जहां पर वो उसका 100 रुपए का सब्सक्रिप्शन पैक था, आप इस, उन्होंने क्या बेट फ्रंट एंड रखा कि आप इस 100 रुपए को, 100 रुपए के पैक को खरीद लीजिए, अगर अदरवाइज आपकी सिम चालू नहीं होगी। तो फिर उसके बाद उन्होंने हमें मिडिल एंड में लाया कि अब आपको जो है 399 का रिचार्ज कराना होगा, फिर आप जो है वो 84 या 90 डेज के लिए इंटरनेट यूज कर सकते हैं, 1 GB वन पूरे दिन का। तो यहाँ पर जो है फिर उसके बाद बैक एंड हो गया, बैक एंड में हम उनके परमानेंट कस्टमर हो गए, आज भी मैं वही नंबर यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है वो मैं आया था एक फ्री रिवॉर्ड से, बट आफ्टर 4 ईयर्स आई एम ऑन द सेम नंबर विद जियो, तो वहां पर मैं उनका परमानेंट कस्टमर बन गया। तो यहाँ से फ्री रिवॉर्ड से आकर के फिर मैं आया बैक एंड तक आया, पूरी जो मेरी जर्नी थी 100, 399 एंड ड्राइव, अभी तक मैं उस नंबर को यूज कर रहा हूँ। तो ये जो थी एक सीक्रेट फॉर्मूला नंबर 3rd था कि आप कितना, किस टाइप से अपने कस्टमर्स को, अपने यूजर्स को अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये था एक सीक्रेट नंबर 3rd। अब हम जानते हैं सीक्रेट फॉर्मूला 4th। सीक्रेट फॉर्मूला 4th, हाउ टू फाइंड योर ड्रीम कस्टमर। तो ड्रीम कस्टमर्स को फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो है इंटरनेट जो है पावर ऑफ कॉन्ग्रीगेशन है। कॉन्ग्रीगेशन का मीनिंग ग्रुप ऑफ पीपल गैदर टुगेदर, जहाँ पर लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है, और इंटरनेट इज द पावर। इंटरनेट के पास में आपके हर टाइप के क्लाइंट्स हैं, आप जिस भी नीश के अंदर हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करनी होगी कि आपका टारगेट मार्केट क्या है, हु, फिर यहाँ पर आपको क्वेश्चन करना होगा हु इज योर टारगेट मार्केट, एंड सेकंड क्वेश्चन इज वेयर इज योर टारगेट मार्केट कॉन्ग्रीगेशन। कॉन्ग्रीगेशन इज मीनिंग ग्रुप ऑफ पीपल गैदर। तो क्या आपके टारगेट मार्केट के और कस्टमर्स जो है वो है कहाँ हैंग आउट करते हैं ऑनलाइन, वो अपना टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं, क्या वो यूट्यूब पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, क्या वो फेसबुक पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं, कौन से ईमेल में वो सब्सक्राइब हैं, कौन से ब्लॉग्स में वो इंटरेस्ट रखते हैं, उनको कौन से फेसबुक ग्रुप के अंदर हैं वो, क्या वो फेसबुक पसंद करते हैं क्या, या वो इंस्टाग्राम को प्रीफर करते हैं, व्हाट कीवर्ड्स आर दे सर्चिंग फॉर गूगल। अगर आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तो आपको जो है ट्रैफिक इंटरनेट पर मिलना बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ रिसर्च करनी होगी। अगर आप रिसर्च करते हैं और इन सभी क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो आपको जो है वो आपका टारगेट मार्केट मिल सकता है। फिर जो है वो क्वेश्चन आता है, हाउ कैन यू गेट अ कस्टमर्स टू लीव द कॉन्ग्रीगेशन एंड चेक आउट टू योर पेज। तो हाउ शुड आप अपने कस्टमर्स का माइंड कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें समझना होगा एनक्वेरियर इंटरप्ट को। एनक्वेरियर इंटरप्ट का मतलब होता है क्यूरियोसिटी जनरेट करना आपके कस्टमर्स के माइंड में। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगा, आई लव फुटबॉल, मैं एक फुटबॉल को का फैन हूँ और मैं जो है फुटबॉल की वेबसाइट पे कुछ ब्लॉग्स पढ़ रहा था, बट सडनली मेरे पास कुछ ऐसा फॉर्म आता है जिससे मेरे माइंड में क्यूरियोसिटी जनरेट होती है और मैं अपनी फेवरेट वेबसाइट को छोड़कर उस फॉर्म की तरफ चला जाता हूँ। तो यहाँ पर जो मैंने उस फॉर्म्स ने क्यूरियोसिटी जनरेट कर दी मेरे माइंड में, तो यहाँ इसके थ्रू जो है मैं अपने फेवरेट ब्लॉग को छोड़कर, फेवरेट वेबसाइट को छोड़कर उस वेबसाइट पर चला गया। तो यहाँ से जो है मैंने क्यूरियोसिटी जनरेट की मेरे क्लाइंट के माइंड में,
कि आप जो है मेरे ब्लॉग पे आइए, तो ये होती है कॉन्ग्रीगेशन चेकआउट योर। आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट किस टाइप से अट्रैक्ट कर सकते हैं, ये होता है इसका इंक्वायरियर इंटरप्ट का मीनिंग। सीक्रेट फॉर्मूला 5, द 3 टाइप्स ऑफ ट्रैफिक। ट्रैफिक, द फर्स्ट ट्रैफिक यू कंट्रोल, सेकेंड ट्रैफिक यू डोंट कंट्रोल, एंड थर्ड ट्रैफिक यू ओन। तो रसल ब्रंसन जो है ट्रैफिक यू ओन को मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रैफिक मानते हैं, क्योंकि ये जो है मेरा खुद का ट्रैफिक है। ट्रैफिक यू ओन का मीन्स मैं कोई भी नया ब्लॉग अपलोड करता हूँ अपनी वेबसाइट पर, कोई भी नया यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ, या फिर कोई भी मेरे को नया प्रोडक्ट सेल करना है, तो जो मेरा ओन ट्रैफिक है, जो मेरे ईमेल में सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे यूट्यूब पर फॉलोवर्स हैं, जो मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स हैं, वो मेरे ओन हैं। तो मुझे सिर्फ एक सिंगल क्लिक पे उन सभी को एक बटन के ऊपर उन सारी चीज़ों के जहाँ पर मुझे ट्रैफिक लाना है वहाँ पर मैं ला सकता हूँ, और बिना एक रुपए के इन्वेस्टमेंट किए। तो ये जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रैफिक है, ट्रैफिक यू ओन। ये जो है रसल को एनीवन लाइक इट। फिर आता है हमारे पास ट्रैफिक, सेकंड क्वेश्चन जो आता है वो ट्रैफिक यू कंट्रोल। तो ट्रैफिक यू कंट्रोल के अंदर मैं गूगल पर फेसबुक पर एड्स चलाता हूँ, वो ट्रैफिक मैं ऑन नहीं कर सकता, बट उस ट्रैफिक को मैं अपने स्क्वीज पेज पर सेंड करके उनको मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूँ। स्क्वीज पेज पर सेंड करके मैं उनको कुछ रिवॉर्ड दूंगा जिससे वो मुझे अपना ईमेल एड्रेस देंगे। तो वो ट्रैफिक जो मेरा मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था, गूगल और फेसबुक के ट्रैफिक को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता था, बट मैं ऑन अपने स्क्वीज पेज पर सेंड करके मैंने उसको ऑन कर लिया। तो ये जो है इसके थ्रू जो है आप इसको अपने ट्रैफिक यू ऑन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर थर्ड आता है ट्रैफिक यू डोंट कंट्रोल। ट्रैफिक यू डोंट कंट्रोल के अंदर जो है आपको अपना आपके बारे में किसी ने फेसबुक पर कुछ पोस्ट देखी और उसने आपको गूगल पे सर्च किया, सर्च करने के बाद जो है आपके ब्लॉग पर वेबसाइट पर आया, बट उस ट्रैफिक को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आप वहीं पर आप एक कुछ अट्रैक्टिव रिवॉर्ड दे देंगे। उस रिवॉर्ड के थ्रू जो है वो आपके ईमेल में सब्सक्राइब हो जाएगा। तो ये यहाँ से ट्रैफिक यू डोंट कंट्रोल से आपने इस ट्रैफिक को भी ऑन कर लिया। तो ये जो है ट्रैफिक की सीक्रेट्स है। तो इसके थ्रू जो आप अपने ट्रैफिक को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये जो है सीक्रेट फॉर्मूला 5th था ट्रैफिक टाइप्स ऑफ ट्रैफिक। ये था .com सीक्रेट का part 1। अगर आपको part 2 भी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए जल्दी से कि आपको part 2 भी चाहिए, तो मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी part 2 बना के अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।